A very good morning, dear students. Welcome you all in our online study course. Students, in our first chapter of maths, where to look from, we studied about views of an object. And then next day, you remember what we have learned? We learned about different kind of floor pattern in dot grid, right? Now students, yesterday, do you remember? Yesterday, what we discussed? We discussed about drawing of some shapes. Okay, I'm sure you in your previous class have learned about shapes. But today, again, I will teach you about shapes. So, our today's topic is shapes. Isn't it? तो आज मैं आपको शेप्स के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूँगी. तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, शेप्स में सबसे पहली अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आता है स्क्वायर शेप, SQUARE, स्क्वायर शेप. तो स्क्वायर शेप में क्या होता है, आपने एक बार, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे लिया है बच्चों. बच्चों आपने देखा होगा, हैव यू सीन इन वेरियस काइंड ऑफ शेप्स ऑल अराउंड ऑफ यू, हैव यू सीन. जैसे कि मैं लेके आई हूँ, मैं आपके लिए, ये देखिए, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्क्वायर शेप का. आपको दिख रहा होगा स्क्वायर शेप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसकी चारों की चारों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है कि दिस इज अ क्लोज्ड शेप. तो कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज स्क्वायर, तो आप सबसे पहले क्या बताओगे उसके बारे में, स्क्वायर इज अ, क्या है स्क्वायर, स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर. देखिए चारों कोनों से बंद है ये, तो स्क्वायर इज अ वेरी, स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. ठीक है, तो स्क्वायर को अगर आप लोगों को ड्रॉ करना है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो रूलर का यूज आप करोगे. तो आपने रूलर लेना है, विदाउट रूलर, बच्चों ध्यान रखना, विदाउट रूलर आप लोग इसका यूज नहीं करेंगे. तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसे ही आप लोग भी इसको ड्रॉ करेंगे, लेकिन रूलर के बिना बच्चों आप लोग इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, रूलर के बिना बनाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे में इक्वल, प्रॉपर इक्वल स्क्वायर आपकी शेप नहीं बनेगी, राइट. ये देखिए, ये स्क्वायर शेप्स मैंने आप सबके सामने बना दी है, जिसके आप ध्यान से देखेंगे ये चारों की चारों साइड इक्वल हो गई है, चारों की चारों इक्वल. तो दिस इज आवर स्क्वायर शेप. नाउ अब मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ दूसरी शेप, दैट इज रेक्टेंगल शेप. रेक्टेंगल यानी कि इसकी स्पेलिंग हो जाएगी REC, रेक, TANGL, GLE, रेक्टेंगल शेप. तो देखिए रेक्टेंगल शेप के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दूसरा आपके सामने, देखिए मैंने क्या लेकर आई हूँ आपके सामने, दिस इज एनवलॉप, दिस इज एनवलॉप. एनवलॉप यानी कि हिंदी में लिफाफा. देखिए आप ध्यान से, ये हमारी रेक्टेंगुलर शेप होती है, चाहे आप इसे ऐसे पकड़ें चाहे आप इसे ऐसे लंबाई में पकड़ें, हम इसे रेक्टेंगल शेप कहते हैं. देखिए इसकी जो मोटाई होती है, विड्थ जो होती है इसकी, ना के बराबर होती है, बहुत ही पतली लेनी है आपको, इसे ही हम लोग रेक्टेंगल लेके चलते हैं. तो रेक्टेंगल अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रेक्टेंगल, तो आप क्या डिफाइन करेंगे रेक्टेंगल को, कि रेक्टेंगल इज अ क्लोज्ड फिगर. जैसे हमने स्क्वायर को कहा वैसे ही रेक्टेंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल. इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान से देखना, इसकी दिस साइड एंड दिस साइड, इनकी ये वाली साइड और ये साइड आपको ध्यान से देखेंगे तो इक्वल दिख रही होगी, और जो इसकी ये वाली साइड है, ये दोनों साइड आपस में आपको अनइक्वल दिख रही, इक्वल दिख रही होगी. तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल और ये दोनों साइड आपस में इक्वल, यानी कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल को ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने रेक्टेंगल को ड्रॉ करूंगी. अगेन बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे रूलर का यूज करना है बेटा, रूलर का यूज आप जरूर करेंगे, रूलर के यूज के बिना ये आप ड्रॉ नहीं करेंगे. ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर रही हूँ. ये देखिए, ये मैंने आपके सामने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है. अपोजिट साइड्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत साइड्स हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये वाली साइड और ये साइड आपस में इक्वल है. तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल. तीसरी साइड जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, तीसरी है आपके पास ट्राइंगल. तीसरी चीज है आपके पास ट्रायंगल. तो इसका मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई, ऑल साइड्स
इक्वल, और दूसरी क्या है ये, दिस इज क्लोज्ड फिगर. सेम इसके लिए आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड फिगर. और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल. ओके, तीसरा जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ थर्ड से, दैट इज ट्रायंगल. ट्रायंगल शेप आपने अपने चारों ओर देखी होंगी बहुत सारी, तो मैं आपके सामने ये लेकर आई हूँ. ये देखिए आपके सामने, ये मैंने ब्रेड की एक स्लाइस काट के लाई हूँ. ये मम्मी आपको सैंडविच वगैरह बना के देती होगी, तो अगर आपको ये ट्रायंगलर शेप में देती होगी तो देख लीजिए, ये ट्रायंगल साइड हो गई इसकी, दिस इज ट्रायंगल शेप. तो ट्रायंगल शेप की कैरेक्टरिस्टिक आप लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो दिस इज अगेन अ क्लोज्ड फिगर. ये इसको भी आप लोग क्या कह के चलेंगे, दिस इज अगेन अ क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स ओनली. इसमें थ्री साइड्स होती है, जैसे कि इसमें फोर साइड्स होती है, इसमें फोर साइड्स होती हैं, लेकिन इसमें थ्री साइड्स होती हैं और एक क्लोज्ड फिगर होता है. तो इसलिए इसी तरह से मैं आपके सामने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ. इसमें भी अगेन आप लोग क्या करेंगे, रूलर का यूज़ करेंगे, तो विदाउट रूलर आप कोई भी शेप ड्रॉ नहीं करेंगे. आप एक बात का ध्यान मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ट्रायंगल जब हम ड्रॉ करते हैं डजेंट मैटर कि कौन सी साइड किसके इक्वल होती है, कोई भी साइड किसी के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं. एंड लास्ट वन इज सर्कल. सर्कल आपने देखा होगा, सर्कल क्या होता है, सर्कल जैसे कि आपने देखा होगा, ये देखिए आपकी मम्मा की बैंगल्स होंगी, चूड़ियाँ होंगी, है ना, मम्मा रोटी बनाती है वो भी सर्कुलर शेप की होती है, तो सर्कल शेप आप बना सकते हैं. तो आप क्या करेंगे, कोई भी सर्कुलर आइटम लेकर उसकी सर्कुलर शेप बना लेंगे, ठीक है. तो सपोज ऐसे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ऐसे ही आप घर में इसको ड्रॉ करेंगे, राइट. ये देखिए, ये मैंने आपके सामने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. तो सर्कल के लिए आप क्या बोल सकते हैं, हैविंग नो साइड्स, इसकी कोई भी साइड्स नहीं होती है, ना तो इसका कोई कॉर्नर होता है, ना ही कोई साइड्स होती है. अगेन ये भी एक क्लोज्ड फिगर होता है, आप देखेंगे कहीं से भी ये खुला हुआ नहीं है, तो ये भी एक क्लोज्ड फिगर है. तो चारों शेप्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल. बस एक बात का बच्चों आप ध्यान रखेंगे, जब सर्कल आपसे पूछा जाएगा तो मैंने एक अलग से बॉक्स रखा है आपके सामने, ये देखेंगे आप लोग कि तो सर्कल के सामने बाद में जब आपसे डिस्कस किया जाएगा, आप ऐसे ही कोई भी आइटम नहीं उठा देंगे. एक मैंने आपके सामने रबड़ का एक बॉक्स रखा हुआ है, आप इसको, इसकी कैप को तो सर्कल कह सकते हैं, बस आप इसे एज इट इज़, इसको आप सर्कल नहीं कह सकते, ये एक दूसरा शेप हो जाता है जो आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. दिस इज सिलेंड्रिकल शेप. इसको आप सिर्फ इसकी कैप को तो कह सकते हैं, इसको आप नहीं कह सकते. दूसरा हो गया, एक मैंने आपके सामने आइसक्रीम का एक डब्बा रखा हुआ है, इसकी आप ऊपर से सिर्फ कैप को तो आप स्क्वायर कह सकते हैं, बट इस पूरे डब्बे को आप नहीं कह सकते. देखिए ये बॉक्स है आपके सामने, ये बॉक्स आपका क्या क्यूब माना जाएगा, ये दूसरी शेप हो जाती है. तो सिर्फ आप, मतलब जो ये उभरे हुए आइटम्स, 3D फिगर्स होती हैं, इनको आप, इनके सिर्फ ऊपर ऊपर कवरिंग को आप कह सकते हैं. उसी तरीके से कि पेंसिल बॉक्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, दिस इज पेंसिल बॉक्स. ऊपर का आप देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, इसकी कैप देखेंगे, तो दिस इज रेक्टेंगुलर शेप. पर अगर आप इसको पूरा ऐसा बॉक्स उठाएंगे तो ये आप रेक्टेंगल नहीं कह सकते, दिस इज क्यूबॉइड शेप. ये 3D फिगर्स हो जाती है, थोड़ा उभरी हुई फिगर्स होती हैं, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है. तो बच्चों आपके लिए आपको करना क्या, ये मैंने आपको जो अभी तक समझाया वो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया है कि ये है आपकी स्क्वायर. अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है. रेक्टेंगल, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर हैविंग ऑपोजिट साइड्स इक्वल ओनली इज कॉल्ड रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल. अ थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल. All three sides may be equal or not. देखिए ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी. आप ऐसा नहीं कहने कि कोई भी साइड इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. लास्ट है आपके पास सर्कल. अ क्लोज्ड फिगर हैविंग नो साइड्स इज कॉल्ड अ सर्कल. तो ये आपके पास आ गया. अब इसमें आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए. जस्ट फॉर प्रैक्टिस ड्रॉ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स विद द यूज ऑफ रूलर. आपको शेप्स बनानी है स्केल का भी, बेटा ध्यान रखिएगा, बिना स्केल के आप लोग बिल्कुल भी शेप्स नहीं बनाएंगे, ठीक है. और दूसरा है आपके पास राइट एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड ऑफ शेप.
जैसे कि रेक्टेंगल के 5 एग्जांपल जो आप अपने चारों देखते हैं, स्क्वायर के 5 एग्जांपल, सर्कल के 5 और ट्रायंगल के 5। आपको हर शेप के कम से कम 5 एग्जांपल्स लिखने हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जो भी काम करिए पूरी मेहनत से समझते हुए करिएगा। थैंक यू।